वहीं आगे बढ़ते हैं। मल्टी स्टेट कॉरपोरेटिव सोसाइटियों के खिलाफ शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 16,000 करोड़ की लूट पर गहलोत सरकार अब बड़ी कार्रवाई करेगी। सहकारिता विभाग ने इस्तगासा दायर करने की तैयारी कर ली है। लूट मचाने वाली कॉरपोरेटिव सोसाइटीज अब पूरी तरीके से सावधान हो जाएं। केतेश्वर सुंदरम अर्बुदा सोसाइटी पर इस्तगासा दायर हो सकता है। उपेश्वर पुष्टिघर अमरदीप सोसाइटीज भी इसके शिकंजे में आएंगी। आदर्श नवजीवन पर पहले ही एसओजी बड़ी कार्रवाई कर चुकी। कार्रवाई के बाद संपत्तियां और बैंक खाते सीज विभाग की तरफ से किए जाएंगे। आपको बता दें कि कॉरपोरेटिव सोसाइटीज को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से हाल ही में कहा गया था कि कुछ सोसाइटीज की तरफ से लोगों को ज्यादा ब्याज का लालच देकर उनके रुपयों को हड़प लिया जाता है। इसके लिए लोग सतर्क रहें और सरकार भी इसके लिए हर संभव अब कार्रवाई कर रही है। मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका रजिस्ट्रेशन और जो कंट्रोल है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है वहाँ से होता है। सेंट्रल रजिस्ट्रार साहब को मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कई बार रिक्वेस्ट किया है कि एक तो जो इस तरह के फ्रॉडस्टर्स हैं जिन्होंने फ्रॉड किया है उन कंपनीज़ के उन सोसाइटीज़ के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दायर करने की पावर्स हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार्स को डेलीगेट कर दी जाए। आशीष चौहान जीबीडी संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, किस तरीके की अब कार्रवाई होगी, कैसे इन पर शिकंजा कसा जाएगा? देखिए, केंद्र सरकार ने ये अनुमति दी है उप रजिस्ट्रार को, ये अधिकृत किया है कि वे इस्तगासा दायर कर सकते हैं जिन्होंने मल्टी स्टेट सोसाइटीज ने राजस्थान में लूट मचाई है। राजस्थान सरकार ने भी ये निवेदन किया था केंद्र सरकार से कि आप हमें अधिकृत कीजिए ताकि इन सोसाइटियों पर शिकंजा कसा जाके। राजस्थान में 16,000 करोड़ से ज्यादा की जो लूट मची थी उसके बाद में अब जो रजिस्ट्रार है वो इन पर शिकंजा कसे जा सकेगा और इन पर शिकंजे की कार्रवाई है वो भी अब उसकी भी तैयारी राजस्थान सरकार ने कर ली है। सहकारिता विभाग ने इस्तगासा दायर करने के लिए जिन सोसाइटीज ने लूट मचाई थी उनकी लिस्ट बनाना भी अब शुरू कर दिया है। जैसे पहले आदर्श सोसाइटी पर शिकंजा कसा गया था, इसके बाद में नवजीवन पर भी शिकंजा कसा गया था। एसओजी में भी इनके कई मामले दर्ज किए जा चुके थे और जिन पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन ऐसी कई सोसाइटीज है जिन पर शिकंजा कसना अभी तक बाकी था। लेकिन अब जो केंद्र सरकार ने ये अधिकृत किया है उप रजिस्ट्रार को, इसके बाद में अब सहकारिता विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। अब ऐसी सोसाइटीज पर शिकंजा कसा जाएगा और उन पर इस्तगासा दायर किया जाएगा और इस्तगासा दायर करने के बाद में यदि वे सोसाइटी दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्तियों को सीज किया जाएगा, उनकी बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। अकाउंट सीज करने के बाद में जो पैसा है वो निवेशकों को लौटाया जाएगा जिनका पैसा अटका हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इनमें जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ उन्हें 7 साल की सजा या कम से कम 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर 25 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। बड़ी बात है कि 25 करोड़ का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है, यानी कि जो सोसाइटीज ने शिकंजा जो सोसाइटीज ने यहाँ पर इस तरह की लूट मचाई थी उन पर शिकंजा पूरी तरह से राज्य सरकार कर सकेगी। पहले केंद्र सरकार के हाथ में ये था कि वे ही कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन अब राज्य सरकार के हाथ खुले हैं, अब वे कार्रवाई कर सकेगी, यानी लोगों को इनके जंगल से बचाया जा सके, इसके लिए कार्रवाई के लिए कदम जो है वो बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आशीष मार्था।